वही बुरहानपुर जिले में स्थित रूपडडिया हनुमान मंदिर पर 2 दिन पहले मंदिर पर फूलहार बेचने वाले व्यक्ति को निम्बोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तहसीलदार रामलला पगारे ने बताया कि भारतीय संहिता कानून अंतर्गत धारा 170 के तहत निम्बोला पुलिस ने उपद्रवी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता निखिल खंडेलवाल ने कहा कि कटाक्ष करते हुए उन्होंने यह कहा कि यह भाजपा की सरकार में ऐसा हो रहा है और यह बड़ी ही निंदनीय घटना है। भाजपा सरकार के राज में गुंडों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देखिए, मुझे वीडियो देखा मैंने और वीडियो में साफ प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति पुल वाले के साथ मारपीट कर रहा है, कोई बचाने जा रहा है तो उसके सर को पत्थर से फोड़ दे रहा है, फिर उसे श्रद्धालु जो दर्शन करने गए थे वो बचाने जा रहे हैं तो उन्हें मार रहा है, मंदिर में पूजा पाठ की सामग्री फेंक रहा है। मतलब ये इस तरीके का जो उपद्रव है ये बहुत ही निराशाजनक है। भाजपा शासन है और अगर ऐसे समय में अगर मंदिरों में पुजारी और भक्त सुरक्षित नहीं है तो ये बड़े चिंता का विषय है। रूपड़ी हनुमान मंदिर पे उपद्रव करने वाले व्यक्ति को यहाँ पेश किया था, क्या हुआ सर? 2 दिन पहले रूपड़ी हनुमान मंदिर पर एक आरोपी है धनराज प्रताप त्रिलोचन महाजन, सुमंदिर आलमगंज का निवासी है, इसके द्वारा उपद्रव किया गया था 2 दिन पूर्व। तो अभी निम्बोला थाने के द्वारा उसको हमारे नाले में प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के धारा 170 के तहत उसको जेल भेज दिया गया है।